कम्युनिकेशन के बेसिस पे मैंने एक्टिव लिसनिंग आपका कवर अप कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने आपको रिटन कम्युनिकेशन में एसे और रिपोर्ट राइटिंग बता दिया है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह प्रेजेंट करना है ये बता दिया है, बट कम्युनिकेट किस तरह आप करें, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो आपका बेसिस है, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन किस तरह आपको करना है, उसका एक बेसिक रूल्स होते हैं, उसके एक बेसिक तरीका होता है, एक मैनर होता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना होता है। एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ लीडर, एंड लेट मी गेट दिस स्ट्रेट कि यहाँ पर हर एक जॉब प्रोफाइल, आप चाहे किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, नाउ डेज एवरी जॉब प्रोफाइल इज लुकिंग फॉर द पर्सन हु हैज गुड लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स क्यों चाहिए एम्प्लॉयर्स को? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास जो भी एम्प्लॉयज आए, वट एवर एम्प्लॉयज आर ज्वाइनिंग देयर कंपनी, दे शुड हैव दैट ड्राइव, उनके पास वो एग्रेशन होना चाहिए, वो मतलब उनका पैशन होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें और अपने साथ साथ हम अपनी कंपनी को भी आगे लेके जाएं, ठीक है, बिकॉज इफ यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है, अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि आपके कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी को डुबा के अपना प्रॉफिट करें, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो गलत चीज है। लेकिन कंपनीज जो हैं वो आजकल हर एक एम्प्लॉय में लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढती हैं, इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरह के एम्प्लॉयज लेके आएंगे जिनमें ये क्रेज है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सीखना है, हमें ये सारी चीजें लर्न करनी है, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिस्टिक तरीके से करनी है, ताकि ताकि हम क्या करें यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। तो हमारा प्रोग्रेस यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय सोचता है कि मुझे अपना प्रोग्रेस करना है, इसका मतलब क्या कि वो कंपनी का भी प्रोग्रेस करना चाहता है, दैट मीन्स कि वो दोनों तरफ के लिए फायदेमंद होगा। और इसीलिए हर एक कंपनी जो है, हर एक एम्प्लॉयर जो है, हर एक इंटरव्यूअर जो है, वो अपने कंपनी के लिए ऐसे पर्सन को खोजता है, ऐसे एम्प्लॉयज को खोजता है, ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करता है जो कि यहाँ पर हमारी कंपनी को आगे बढ़ाए, अपनी अपना प्रॉफिट कमाते हुए, ठीक है, मतलब आप खुद एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं और इसके साथ साथ ही आप कंपनी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टूड? सो देर आर ब्रीफ थिंग्स दैट यू शुड नो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग एज अ लीडर, ठीक है, एक लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेट किया जाए, वेन एवर यू आर इन एनी स्टैंडिंग पोजिशन, एनी पोजिशन, ठीक है, आप किसी के भी साथ वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। लीडर की तरह कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के ऊपर डोमिनेंस दिखाएं या अग्रेशन दिखाएं, नहीं, कम्युनिकेट अगर आपको एज अ लीडर करना है, इसका मतलब कि आप इस तरह कम्युनिकेट करेंगे कि आपका वो जो इंटरेक्शन हुआ, मान लीजिए आपने एक क्लाइंट के साथ बात की और उस दौरान, उस ड्यूरेशन में जब आपने उनसे बात की, आपने उनको इतना इम्प्रेस कर दिया कि वो बार बार आप ही के साथ काम करना चाहें। दिस इज द क्वालिटीज, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिटीज दैट अ लीडरशिप हैज, ठीक है, लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं, इनका ऐसा रिजल्ट होता है कि हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, ठीक है। तो किस तरह हम यहाँ कम्युनिकेट करें कि हमारा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़े, जिस पर्सन से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ना ही सिर्फ हमारा क्लाइंट, ना ही सिर्फ हमारे स्टाफ मेंबर, ना ही सिर्फ हमारे कलीग्स, ना ही हमारे सीनियर, हर किसी से हमें इस तरह कम्युनिकेट अगर हम करते हैं एज अ लीडर, दैट मीन्स कि हम एक इम्प्रेशन उस पर्सन के माइंड में छोड़ के जा रहे हैं कि मैंने इस पर्सन से कम्युनिकेट किया था और ये बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है। यस, एनी स्टूडेंट हु हैव ज्वाइन द क्लास, अगर आपने ऐसे रेडी है, आपका प्रेजेंट करना चाहते हो, यू कैन रेज योर हैंड। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड, उनका मैंने मार्क करके रख लिया है जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आप करना चाहते हैं, अपना ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं दैट यू आर रेडी टू प्रेजेंट इट। अंडरस्टूड? ऑल राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग एज अ लीडर is to communicate promptly. Promptly का मतलब क्या होता है?
प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कि हमें बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, हमें प्रिसाइज और क्रिस्प तरीके से बात करना है। यानी कि प्रॉम्प्टली का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम यहाँ पर सर्च करें तो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग जो होता है प्रॉम्प्टली का, उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर कोई भी चीज अगर ऐसा हम करते हैं कि एकदम से, मतलब किसी तरीके से, किसी एक तरीके से अगर हम यहाँ पर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम मिला, ठीक है, और आपने तुरंत से उसका सलूशन बता दिया, ठीक है, आपसे किसी ने कोई परेशानी शेयर की और आपने एकदम से बता दिया कि अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मे बी इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। तो प्रॉम्प्टली का मतलब कि बिना किसी डीले के या बिना किसी अननेसेसरी डीले के आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि क्लाइंट ने कहा कि आपका जो डेडलाइन है वो शायद हमें पीछे खिसकाना पड़े, यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी उससे पहले ही उन्हें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली। जैसे ही उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको हो सकता है, वो अभी डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं कि हाँ हमें इस डेट को, मान लीजिए वो अगर उन्होंने कहा था कि हमें 19th अप्रैल को चाहिए आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, 19th अप्रैल 2022 को हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, अब वो आज आपको कॉल करके बोल रहे हैं, ठीक है, आज आपका हो गया डेट 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी, मतलब 2 महीना है आपके पास बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो 2 मंथ्स या 2 से ज्यादा मंथ्स, जो 3 मंथ्स आपके पास जो बचे हुए हैं वो आपने पहले आपका जो प्लानिंग था उसमें रखा हुआ था, ये सारा जो टाइम है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसका जो भी वैल्यूज हैं, जो सही वैल्यूज हैं, जो गलत वैल्यूज है, वो पूरा डीबग वगैरह जो भी आपका प्रोग्रामिंग होगा उसको पूरा डीबग करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से दोबारा से टेस्ट रन करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आपने ये टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ था। लेकिन फरवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसने सिर्फ सजेस्ट किया ऐसा, ठीक है, आपके क्लाइंट से जिसका भी इंटरेक्शन हो रहा है उस पर्सन ने, आपके क्लाइंट ने कहा कि हो सकता है कि हमें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही यहाँ, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 10 दिन या 20 दिन पहले वो अपना प्रोजेक्ट मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, तो हम 20 डेज का हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं, तो 20 डेज पहले वो आपका प्रोजेक्ट जो है आपसे मांग रहे हैं कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है 20 डेज पहले, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको मुझे देना पड़े, प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना पड़े। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 तरह की आती है, पहला पॉसिबिलिटी ये कि आपने ये सारा टाइम जो है टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए लिया था, तो आप अपना टेस्ट रन जो है वो फटाफट करके डिबग करके फिर उसके बाद, मतलब एक तरह से आप ऑलमोस्ट 99% श्योर हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन पे हो गया है, तो आप 10 दिन पहले या 20 दिन पहले सबमिट कर दे रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए अच्छी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है आपको मिला ही 1st of February को है, ठीक है, आपको मिला ही 1st of February को है, और 19th अप्रैल को उन्होंने डेट दी थी कि उन्हें सबमिशन चाहिए, 19 या 20, एक दिन हम मार्जिन लेके चलते हैं कि 20 तक उन्होंने कहा था कि सबमिट उनको एनी हाउ एनी कॉस्ट पे उनको 20 तक सबमिट करना है। अब क्योंकि उन्होंने ये प्रॉब्लम बता दी कि उन्हें 10 दिन पहले चाहिए होगा, जो प्रोजेक्ट प्री मेच्योर है, प्री मेच्योर यानी कि अभी तक ऑब्वियसली बात है 1st of February से लेकर 24th of February में इसका कंस्ट्रक्शन ही चल रहा होगा अभी, तो 1 month जो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए लग रहा है, उसके बाद 1 month आपने लिया है चाहे वो टेस्टिंग करने के लिए, फिर उसके बाद डीबगिंग करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट करेंगे, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे सबमिट, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर 20 दिन पहले मांग लिया गया, यानी कि 1st of April को मांग लिया गया, तो शायद हो सकता है कि हम टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग, ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने शायद करके बोला है
तो आप वेट नहीं करेंगे कि जब वो टाइम आएगा तब हम कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप उसी टाइम अपने क्लाइंट को ये चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे कि पॉसिबिलिटी है कि हम 10 दिन पहले आपको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं 1st of April को आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितना ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है? क्योंकि उस टाइम तक आपको पता चल जाएगा, एट द एंड ऑफ मार्च आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितना काम बाकी है। तो आप उस हिसाब से अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो 1st week of April में अपना प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है प्रॉम्प्टली, का मतलब कि आपको वेट नहीं करना है कि जब सिचुएशन वर्स हो जाएगा तब हम कम्युनिकेट करेंगे, या फिर छोड़ देते हैं जैसे झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच, ठीक है? तो आपने कभी कभी कई बार होता है ऐसा कि लोग कह देते हैं कि अरे छोड़ो उन दोनों को, वो लोग आपस में ही सुलझा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस ना हो तो दो पर्सन का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, उस सिचुएशन को हमें जांचना है, ठीक है? उस सिचुएशन को हम अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या वो दोनों पर्सन इस केपेबल हैं, ठीक है? अगर वो बच्चों जैसा जिद कर रहे हैं तो आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर वो समझदार इंसान है दोनों और किसी एक्चुअल रीजन की वजह से लड़ रहे हैं, तो उन दोनों को एक नॉर्मल एडल्ट की तरह आप आपस में बात करने दीजिए, आपस में सोल्यूशन करने दीजिए। अगर वो बचकानी चीजों की वजह से लड़ रहे हैं तो एक तीसरे पर्सन का, एक लीडर का वहां पर कम्युनिकेट करना टाइम पे बहुत जरूरी है। तो जहां आपको लगे कि आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए वहां वेट नहीं करना है, किसी भी तरह आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट कर देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने बोला था किसी, मान लीजिए कि ये तो आपका क्लाइंट और आपके कंपनी के बीच की बात हो गई, अगर कंपनी के अंदर में देखे आपने एक क्लाइंट को या फिर सॉरी आपने एक सबॉर्डिनेट को आपके अंडर जो काम कर रहा है उसको काम दिया है कि ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये तुम्हें 10 दिन के अंदर खत्म करके मुझे सबमिट करना है। अब आपने 10 दिन उसको बोल दिया तो वो 10 दिन के हिसाब से पूरा प्लान आउट करेगा, ठीक है? तो आप अचानक से उसको नहीं बोल सकते हो 5 दिन बाद कि सबमिट कर दो अभी तुम जितना भी बनाया, इससे उसका पूरा शेड्यूल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? उसने एक तरीके से प्लान किया होगा कि 10 दिन में वो किस तरह इस प्रोजेक्ट को सबमिट करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसको अच्छे से 10 दिन में उसने प्लान आउट किया होगा। तो आपको वहां पर वेट करना है फॉर 10 डेज, लेकिन 10 डेज खत्म होने से पहले एक मैसेज उसे सेंड कर देना है, ठीक है? कि एक ईमेल सेंड कर दीजिए या फिर एक टेक्स्ट सेंड कर दीजिए कि तुम्हारा सबमिशन डेट नेक्स्ट डे है या तुम्हारा सबमिशन डेज 2 डेज आफ्टर है, रिमाइंडर के तौर पर, ताकि उसे पता चल जाए कि आप वेट कर रहे हैं अपने फाइल के लिए, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो डरते हैं सीनियर से कम्युनिकेट करने में, तो आपको एज अ लीडर वहां पर रीअश्योर करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि तुम्हारा डेडलाइन इतने दिन पे खत्म हो जा रहा है तो मुझे डेडलाइन पे आपका रिपोर्ट चाहिए। डांटना नहीं है, पोलाइटली एक रिमाइंडर उनके पास रहना चाहिए कि आपने उन्हें रिमाइंड कराया था सबमिशन डेट के लिए, ठीक है? अगर आप खुद एक सबॉर्डिनेट है, यानी कि आप खुद किसी के अंडर काम कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बोला गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक सर रिमाइंडर, मान लीजिए कि आपका सीनियर रिमाइंडर नहीं भेजता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिमाइंडर नहीं भेजा तो आप सबमिट नहीं करने जाएंगे। जिस टाइम तक आपको सबमिट करना है, अगर मान लीजिए कि आपको 10th March तक सबमिट करने बोला गया है, ठीक है, 1st March को आपको प्रोजेक्ट मिला, 10th या 11th को आपको सबमिट करने बोला गया है, तो आप 9 को या 10 को कंफर्म कर लेंगे कि सर माय प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, माय सबमिशन डेट वाज ऑन दिस डेट, विल यू बी अवेलेबल फॉर द सबमिशन और नॉट, ठीक है? आप कंफर्म कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि सर बहुत बिजी हैं या मैम बहुत बिजी हैं, नहीं सबमिट हो पाएगा, तो आप एक बार कंफर्मेशन ईमेल या टेक्स्ट सेंड कर दीजिए ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके कुछ प्लान्स बन जाते हैं या कुछ मीटिंग अचानक से आ जाती है, तो वो या तो डिले कर देंगे, ठीक है, 12 को या 15 को आपको 2-4 दिन और दे देंगे कि अभी इस बीच ये मीटिंग चल रही है तो आज उस दिन सबमिट नहीं हो पाएगा, तुम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कर देना, या फिर अगर वो हो सकता है कि
पूरे एक वीक के लिए वहां से उनको बहुत अर्जेंट कॉल आ गया, हाई जो मेन ब्रांच है वहां पर जाना पड़ा, इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो पहले ही आपको बोल देंगे कि मुझे हो सकता है कि यहाँ से जाना पड़े, तो क्या तुम एक दिन पहले सबमिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए कि सर इतना इतना काम जो है, इतना रिविजन बाकी है या इतना चीज जो है मुझे यहाँ पर फिनिशिंग टच देना है, उसके बाद मैं सबमिट करने के लिए रेडी होऊंगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करना तुरंत बहुत जरूरी है, चाहे आप रिसीवर एंड पे हैं, चाहे आप सेंडर एंड पे हैं। ठीक है, चाहे आप हायर पोजीशन पे हैं, चाहे आप लोअर पोजीशन पे हैं, कम्युनिकेट करना आपका राइट है। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होते हैं, आपको जो भी कंफर्मेशन लेना है, आपको एट द मोमेंट वहीं पर बिना सोचे समझे आप पूछ लीजिए कि हाँ सर आज मेरा सबमिशन डेट था, विल यू बी अवेलेबल फॉर दैट और नॉट। ठीक है, कंफर्म आपको करना है तो कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, भले यहाँ पर हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर इस चीज को समझ लेते हैं कि वो करना नहीं चाहते हैं सबमिट, या पूछ रहे हैं क्योंकि उनका काम कंप्लीट नहीं है, लेकिन बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि जब आप यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एंड पे हो, हायर अथॉरिटी एंड पे हैं, चाहे आप लोअर वर्कर हैं, आपको कम्युनिकेशन जो है जितना जल्दी हो सके मैसेज उन तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि कोई भी मिस कम्युनिकेशन ना हो, कोई भी बैरियर वहां पर ना आ पाए आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली का मतलब कि आपको वेट नहीं करना है कि प्रॉब्लम वर्स हो जाए, या फिर वेट नहीं करना है कि सामने वाला मेरे को आके बोलेगा तभी मैं जाऊंगा। कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली यानी कि उसी टाइम आपको जब लग रहा है कि मुझे ये मैसेज सेंड करना चाहिए उसको, तो आपको सेंड कर देना है। थ्रू ईमेल बोलिए, थ्रू टेक्स्ट बोलिए, थ्रू कॉल बोलिए, चाहे आप फेस टू फेस जाके बात करिए, लेकिन आप बात जाकर बता दीजिए उन्हें। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज सी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कम्युनिकेटिंग प्रॉम्प्टली एंड क्लियरली इज अ मार्क ऑफ इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड लीडरशिप। ठीक है, इफ यू लर्न लीड अ टीम यू विल अर्न देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर दिस प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ योर स्किल सेट। ठीक है, अगर आप लीडर हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट लेंगे, जिनके आप लीडर हैं, जो पूरी टीम है आपको रिस्पेक्ट करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं, आप वहां पर बिना किसी वजह, बिना किसी आप कह सकते हैं कि वैलिड रीजन के कम्युनिकेशन में डीले नहीं करते हैं, तो इस वजह से आपका काम बहुत ही स्मूथली चलेगा और लोग आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इवन इफ यू आर अ टीम मेंबर, अगर आप रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी डाउट बीच में नहीं छोड़ते हैं बैरियर के लिए, तो भी आपके टीम मेंबर और आपका जो टीम लीडर होगा वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट यू हैव टू फॉलो टू फॉर बीइंग अ गुड लीडरशिप क्वालिटी एज अ कम्युनिकेटिंग, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सेकेंड जो है वो है, बी डायरेक्ट इन योर कम्युनिकेशन। डायरेक्ट का मतलब कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिसको समझना पड़े आपके जो रिसीवर हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मिक्स्ड सिग्नल कहते हैं ना, आपको मिक्स सिग्नल नहीं भेजने हैं अपने रिसीवर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिखा गया है, ये फ्रेजेस जो यूज हुए हैं ये आप देख पा रहे हैंगे, इफ यू गेट अराउंड टू इट वेल लेट सर्कल बैक टू दिस, नो रश। बट ये सारे फ्रेजेस तब यूज होते हैं जब आप जो बात करनी है आपको उससे आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एम्प्लॉय ने आपसे पूछ लिया कि सर मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपने सेंड किया या नहीं किया, और अगर आप उसे इस तरह आंसर दे रहे हैं, वेल लेट्स सर्कल बैक टू दैट, मतलब कि थोड़ा देर बाद में इससे बात करते हैं, यानी कि आप कहना इनडायरेक्टली ये चाह रहे हैं कि अभी या तो मैंने सबमिट नहीं किया है तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट, या फिर मैंने ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए डिस्क्लोजर आपके ये रूल है आपके कंपनी में कि आपने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि आप डायरेक्टली बोल दीजिए। ठीक है, आप इनडायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्टली उसे बोलिए कि कंपनी की पॉलिसी है, आई कैन नॉट डिस्कस योर प्रोग्रेस रिपोर्ट विद यू। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट वहां पर करना है, इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत
नहीं है, डायरेक्टली उसे बोलिए कि सर इट इज सॉरी आई कैन नॉट डिस्कस योर प्रोग्रेस रिपोर्ट विद यू और आई कैन नॉट डिस्कस दिस इश्यू विद यू, वी डोंट हैव द राइट टू डू दैट. ठीक है, हमारे पास राइट नहीं है, ये कंपनी रूल के अगेंस्ट है. ये सारी चीजें जो हैं हमें एक तरह से वेग कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, जब इस तरह आप टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं, तब ये समझ लिया जाता है कि आप वहां पर ये बात करना नहीं चाह रहे हैं. और जो रिसीवर है यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं जो आपके अंडर काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, उनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि अरे ये मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बाद में बात कर लेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि इसने बहुत ही खराब रिपोर्ट मेरी लिखी है, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना काम किया, फिर भी ये बहुत ही खराब रिपोर्ट मेरा लिख के दिया है, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा. ये सारी चीजें जो है ये आपका रिलेशनशिप खराब कर देता है एज अ कोवर्कर. ठीक है, अगर आप साथ में काम कर रहे हैं, चाहे आप सीनियर जूनियर हो, चाहे आप कोवर्कर हैं, आप अगर साथ में काम कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, आप कम से कम तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हैं उस पर्सन के साथ. और अगर आपका रिलेशनशिप इस वजह से खराब हो जाता है जस्ट बिकॉज आपने एक वेग मैसेज उसे भेजा है, डायरेक्ट मैसेज नहीं किया या डायरेक्ट बात नहीं बोली उसे, तो इस वजह से ये बहुत इफेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप पे, जो कि आपके काम पे भी इफेक्ट करता है. तो आपको कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली कभी भी इस तरह नहीं करना है. यू हैव टू, आपने जो भी डिसीजन लिया है, चाहे वो हर्ट करने वाला हो, मान लीजिए आपको किसी एम्प्लॉय को फायर करना है, बींग एन एचआर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एचआर की होती है कि अगर किसी को फायर करना है, किसी को निकालना है कंपनी से, तो वो इन्फॉर्मेशन एचआर देगा उसे. ठीक है, या फिर एचआर की तरफ से उसे ईमेल आएगा. ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप वहां पर इनडायरेक्टली घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे उस पर्सन को, आप डायरेक्टली जाके बोलेंगे कि सर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी हैव टू लेट यू गो. बस आपको यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं बोलना है कि सर हमें तो यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या करे, करना पड़ रहा है ये वो. दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू यूज फॉर बटरिंग, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी इन अ लीडरशिप. ठीक है, ये बटरिंग वाला जो क्वालिटी होता है ये आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, ये दिखाता है कि ये आपका डिसीजन नहीं था. ठीक है, ये एचआर का डिसीजन नहीं था आपका निकालने का, वो हायर अथॉरिटी ने किया है. मतलब आप अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं. अगर वो पर्सन फायर हुआ है तो आप अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, आप बाकी ऊपर के अथॉरिटीज को ब्लेम कर रहे हैं कि अरे उन्होंने फायर किया, उन्होंने ऑर्डर दिया है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ. ठीक है, दैट मीन्स यू आर क्लियरिंग, यू आर ट्राइंग टू क्लियर योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू दैट पर्सन. ठीक है, लेकिन इस चीज को लेकर क्या हो जाता है, वो जो सामने वाला पर्सन है उसके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि आप वहां पर मतलब आप वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सच्चाई नहीं बता रहे. ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी बहुत ही बुरी हैबिट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को पढ़ ही जाती हैं. चाहे आप कितना भी अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करें, अगर आप बहुत ध्यान नहीं देंगे तो आप खुद भी इस तरह के सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पर आप खुद को बचाने के लिए इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं या इस तरह का कम्युनिकेशन यूज करेंगे कि आप डायरेक्टली कोई भी मैसेज नहीं भेज रहे. ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो होती है ये वर्क रिलेशनशिप खराब कर देता है. ठीक है, और इस तरह आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैसेज जो भी है वो भेज देना है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर में बताया कि अगर आपको यहाँ पर क्लाइंट में कोई भी अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 20 दिन पहले या 1 महीने पहले प्रोजेक्ट चाहिए और आप नहीं दे सकते हैं, तो आप ये क्लियर कट उस क्लाइंट को बताइए कि सर ये सारा काम होना बाकी है, इस काम में इतने दिन लगते हैं, तो हम आपको इतने दिन पहले प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाएंगे. इंस्टेड ऑफ गोइंग राउंड एंड राउंड, सर नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज सर बात समझिए, ऐसा ये सारी चीजें नहीं करनी है. आपको डायरेक्टली उसे एक डाटा देना है, एक रिपोर्ट, प्रीमेच्योर रिपोर्ट आप उसे सेंड कर दीजिए कि ये काम, इतना इतना काम आपके प्रोजेक्ट में हो चुका है, इतना काम बाकी है.
ये सारे कामों में इतना टाइम लगेगा, और मैक्स टू मैक्स हम इतना टाइम मिनिमाइज कर पाएंगे। हम 1 महीना पहले नहीं दे सकते, लेकिन आप हम शायद 10 दिन पहले मिनिमाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा मिनिमाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर कट आपको डायरेक्ट मैसेज, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आपके को वर्कर हो, चाहे वो आपका टीम लीडर है, आपको क्लियर कट वो मैसेज उनको बता देना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत ही रेगुलर केस में फ्रेशर्स के साथ होता है, और क्योंकि आप लोग बहुत कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये चीज समझा दूं। जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत सारा काम दिया जाता है। ठीक है, आपको कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जिससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन आपको बहुत सारे छोटे मोटे काम करने के लिए दे दिए जाते हैं। अब क्योंकि आप वहां पर काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 10 काम ऑलरेडी उस दिन रखा हुआ है करने के लिए, आपका पूरा प्लान शेड्यूल जो है 9 आवर्स 8 आवर्स जो भी आप दे रहे हैं कंपनी को, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि इस घंटे आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि जो आपका सीनियर है वो आपके आपको और एक काम दे देता है, ठीक है, एक काम आप कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं, 2 घंटे बाद फिर वो आके कहता है कि ये काम भी कर दो। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन एडजस्टिंग, आप अपना काम एडजस्ट करते करते थक जाएंगे, लेकिन उनका काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर कट यहाँ पर बोलना है, रूडली नहीं, बहुत पोलाइटली बोलिए कि सर आई हैव दिस वर्क, ठीक है, विच वन शुड आई डू फर्स्ट, ठीक है, डू यू वॉन्ट मी दिस द वर्क दैट यू आर गिविंग मी इज अर्जेंट और नॉट, आप जो काम दे रहे हैं वो कितना अर्जेंट है, क्या मैं अगर उसे डिले कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारा काम रखा हुआ है। अगर वो कहता है कि यस माई वर्क इज अर्जेंट, तो आपका जो बाकी का काम है आप उसे साइड पे होल्ड पे रख दीजिए, उनका काम करके दे दीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं डिले पॉसिबल है, या फिर आपके पास जो काम है वो भी सारे अर्जेंट काम ही हैं, तो आप उन्हें कहिए कि साहब सर आप किसी मुझे किसी और को हेल्प करने के लिए बोल दीजिए, मैं किसी के और के हेल्प के साथ ये सारे काम कंप्लीट आज कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज जो है अपने सीनियर तक पहुंचाना है कि सर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, तो अगर मुझे एडजस्ट करना होगा तो किसी को मेरी हेल्प करनी होगी, और मैं इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप काम लेते जाएंगे तो उनके पास देने के लिए हजारों काम है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पर ब्रेक डाउन होने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में बता दीजिए कि सर ये काम इतना इतना है आज का, तो इसमें से कौन सा अर्जेंट है वो बता दीजिए, उस हिसाब से फिर मैं सीक्वेंस बनाऊंगा कि मुझे काम किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप एक सीनियर हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी आप फ्रेशर हैं तो ये चीजें आपको पता चलेंगी कि ये सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप इन फ्यूचर सीनियर हो जाते हैं तो एज अ सीनियर आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप किसी एक पर्सन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। ठीक है, आप एक पर्सन को बोलेंगे कि हाँ ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो, वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन पे है और उसके पास ऑलरेडी उस पोजीशन के बिहाफ पे जो काम होते हैं, जो वर्क होता है, वो वर्क है उसके पास। ठीक है, जैसे अगर मैं एज अ टीचर यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो बीइंग अ टीचर मेरे पास क्लासेस हैं पढ़ाने के लिए, अगर मुझे कुछ एडिशनल काम दिया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपनी फ्री टाइम में करूंगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लासेस लूँ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे यहाँ पर अटेंडेंस बनाना है, आपके लिए MRQ शीट तैयार करनी है, ये सारी चीजें मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं अपने टाइम पे, अपने फ्री टाइम पे डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस में कितना टाइम देना है। ठीक है, मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ये सारी चीजें कंप्लीट करके करवानी है। ठीक है, सिग्नेचर करवाना है या फिर बता देना है कि मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ऑलरेडी है। अब आप एडिशनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो कि मेरे वर्किंग आर के अंडर नहीं आ पा रहा है, वर्किंग आर के अंडर मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे बेटर है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द वर्क, आप डिले कर रहे हैं वर्क, इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली उनसे जाके, जो भी अथॉरिटी, उनसे जाके कहिए कि सर आई एम डूइंग दिस वर्क एंड ऑल माई आवर्स आर फिल्ड अप with all the works, do you want
this work urgently? Should I keep hold of all the other works or should I complete this work right now? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कट पूछनी है. इफ यू वॉन्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सीनियर्स आपको सार्कैज़म के थ्रू इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नेचुरल. ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि उनके पास भी 10 काम है, उनका भी दिमाग 10 कामों में लगा हुआ है. लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मैसेज एटलीस्ट उनको डायरेक्टली बताएं कि आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं. नंबर ऑफ वर्क्स टू बी डन, सॉरी नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वर्क्स टू बी डन टू द टाइम ड्यूरेशन, इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं एडजस्ट करने में. ठीक है, ऑलराइट. सो नेक्स्ट पार्ट इज योर फॉलो थ्रू. फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है या अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया है, मतलब देना है आपको कोई ऑर्डर दिया है आपने किसी को, तो इससे आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर उस पर्सन से कम्युनिकेट करते रहना है. ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं. ठीक है, फॉर पीपल टू, जैसे रोड्स के जितने भी रूल हैं, हमारे रोड पे फॉलो होने वाले जितने भी रूल हैं, रूल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं. इतने अच्छे रूल कि एक्सीडेंट बहुत हद तक कम हो जाने चाहिए, लेकिन अभी भी एक्सीडेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि उन रूल्स को फॉलो थ्रू नहीं किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोकल एरियाज में, अगर मान लीजिए कि आपका एक लोकल एरिया जहाँ पर आपका रेजिडेंस है, वहां पर अगर कोई क्रॉसिंग नहीं है या फिर कोई बड़ा चौक नहीं है, तो वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा छोटे एरियाज में. तो वहां पर आप अगर बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे हैं या बिना सीट बेल्ट पहले कार चला रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं करता है. लेकिन जैसे ही आप उस एरिया में जाते हैं जहां पर पुलिस खड़ी है, तो एक दो दिन हो सकता है कि कुछ लोगों को डर ना लगे, लेकिन जैसे ही फाइन लगने लगेगा, जैसे ही उनको रोका जाने लगेगा, तो डर के मारे कम से कम उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ हाँ चलो यहाँ पर इस एरिया में चेकिंग होती है, हमें यहाँ पर हेलमेट पहनना है. ठीक है, तो वो हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगा के रहेंगे, भले उनको ये समझदारी उनमें हो या ना हो कि ये उनके भले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो डर के रहेंगे अगर ये चीजें फॉलो थ्रू की जाए. तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट किया है, मान लीजिए आप यहाँ पर बॉन्ड साइन जैसे करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉन्ड साइन करने के बावजूद बॉन्ड छोड़ के भाग जाते हैं, वो नहीं काम कर पाते हैं, बिकॉज वही चीज होती है, टाइम ड्यूरेशन कम होता है और उनको जितना भी टाइम ड्यूरेशन, वर्किंग ड्यूरेशन रहता है, उस पूरे मतलब 9 आवर्स अगर आपका है, तो 9 में से आप मुश्किल से 1/2 आवर दे पाएंगे अपना रिलैक्सेशन के लिए, बाकी के 8.5 आवर आपको लगातार काम करवाया जाएगा. तो यही टेयरिंग ड्यूरेशन होता है, ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है, ये हर किसी के लाइफ में होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है. तो अगर आप यहाँ पर अपना कमिटमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि आपने कमिट किया है, आपने बॉन्ड साइन किया है कि आप 5 ईयर्स या फिर 1 ईयर या 2 ईयर इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे ही, तो आप इस फॉलो अप को अगर नहीं कर पाते, अगर कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो दैट मीन्स इट शोज दैट यू हैव नो इंटीग्रिटी. ठीक है, आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जाता है, आपके कैरेक्टर मीन्स वर्किंग कैरेक्टर, ठीक है, आपका किस तरह काम करने का जो तरीका है उस पर सवाल उठाया जाता है कि आप अच्छे वर्कर हैं या नहीं है. ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही खराब चीज होती हैं टू बी मैंशनड इन योर पाथवेज. ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप अपने सीवी में मेंशन करते हैं कि आपने XYZ कंपनी में काम किया, तो वहां से आप जब दूसरे कंपनी में जाएंगे, तो आपको एक नंबर ऑफ सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देना होगा कि आपने इस कंपनी में काम किया. तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होता है, आपके पास टर्मिनेशन लेटर होता है, रिलीविंग सर्टिफिकेट होता है, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इस ड्यूरेशन तक किया, और उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं. आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बिना बॉन्ड कंप्लीट किए छोड़ते हैं कंपनी, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं देंगे. आपने बॉन्ड साइन किया है कि आप इतना दिन काम करेंगे, तभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे. अगर आप बिना बॉन्ड साइन किए छोड़ते हैं, तो आपके पास एक ड्यूरेशन होना चाहिए. ठीक है, एक ड्यूरेशन देता है कंपनी कि 1 मंथ या 2 मंथ पहले आपको नोटिस देना है कि आप छोड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन.
तो उस ड्यूरेशन में अगर आप वो ड्यूरेशन फॉलो अप नहीं करते हैं, अगर आप उस ड्यूरेशन में उनको नोटिस नहीं देते हैं, तो वो आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लीगली अच्छे तरीके से छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो व्हेनेवर यू गिव अ कमिटमेंट, ठीक है, तो आपको उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। मान लीजिए छोटा सा कमिटमेंट हम करते हैं, ठीक है, कि अगर आपने कमिट किया है कि आपके जो आपका एक आप टीम लीडर हैं, आपका जो टीम आपके जितने टीम मेंबर्स हैं, आपने उनको कहा है कि अगर बहुत छोटी सी चीज है जो कि मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, आपने उनको कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है अगर हम टाइम पे कंप्लीट कर लिए तो हमारी कंपनी का इतना फायदा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं हर एक टीम मेंबर को यहाँ पर इंसेंटिव दे दूंगा, या फिर एक हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम जो है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो हम लोग पार्टी करेंगे और सबको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा। नाउ आपने प्रॉमिस कर दिया, तो इस होप में कि ये चीजें उनको मिलेंगी, जो वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिल जाता है। मान लीजिए काम करते करते वक्त 2-3 महीने का ड्यूरेशन लग रहा है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, और बीच में कहीं जाके 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उनको बहुत ही डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकालने के लिए ये चीजें मोटिवेट करेंगी कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर पार्टी दी जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत की है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये वर्कर के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग थिंग होती है। और अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करते हैं, हो सकता है कि अगर आपके वर्कर अच्छे हैं तो, या फिर उनको अच्छी सैलरी मिलती है, तो वो आपके इंसेंटिव के लिए वेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 2-3 बार ऐसा करेंगे तो वो कभी भी आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि आपने अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो वो बिलीव नहीं करेंगे कि वो प्रॉमिस आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट आपके एम्प्लॉयज का नहीं हटना चाहिए आपसे, ठीक है। बीइंग अ लीडर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जिनके भी साथ काम कर रहे हैं वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप छोटी से छोटी चीज के लिए यहाँ पर ट्रस्ट तोड़ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका ट्रस्ट खत्म हो जा रहा है और वर्क रिलेशनशिप खराब हो रहा है, और जो पर्सन है वो आपसे आपके साथ वर्क करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो भी प्रोमिसेस आप कर रहे हैं वो प्रोमिसेस आप यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट खराब होने की वजह से रिलेशनशिप खराब होगा, और रिलेशनशिप खराब होने की वजह से आपका जो काम है वो नहीं कोई करना चाहेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है यहाँ पर आपको फॉलो अप करनी है इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट एज अ लीडर, ठीक है। एज अ लीडर अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी भी पर्सन से इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना है, यानी कि डिले नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम्युनिकेट करना है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, यानी कि यानी कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन कहीं भी इधर उधर नहीं, घुमा फिरा के बात नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट जो बात करनी है वो बोल देनी है। और जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं, जो भी कमिटमेंट आपने किया है, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप उन सभी को फॉलो करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बीच में ज्वाइन किए थे, व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग, इफ यू हैव द एसे दैट यू वांट टू प्रेजेंट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड टेल मी। ऐसे जो मैंने लिखवाया था उसमें अगर ऐसा कुछ है, ऐसे जो मैंने लिखने के लिए दिया था अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। ऑल राइट, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर आप लोग तो प्रेजेंट कर नहीं रहे हो,
तो आज के लिए इतना ही, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस नाउ। आप लोग का अटेंडेंस अभी बहुत कम चल रहा है, तो आई कैन टेक इट इन वन क्लास आफ्टर आई हैव टॉट यू। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, बी मोर पार्टिसिपेटिव। बच्चे बार बार मैं कह रही हूँ, ठीक है, 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एटलीस्ट 2-3 बार बोल दो तो कम से कम वो यहाँ पर जो काम बोला गया है वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को बार बार बोलने के बावजूद यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। तो जो ऐसे लिखने बोला है बच्चे, वो आप ही के काम आएगा, ठीक है। यू हैव टू हैव दीज स्किल्स, ठीक है। आपको यहाँ पर कम से कम अपना थॉट प्रोसेस जो है वो कलेक्ट करना आना चाहिए, और उसके बेस पे आप जो लिख रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप रिटन कर देते हैं ना, तो अगर आप मान लीजिए कि रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप अगर हिंदी में कर रहे हैं देन इट इज ऑल राइट, ठीक है। बात करते करते आप हिंदी में बोल रहे हैं तो इट इज ऑल राइट, वो उसमें कोई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लेटर भेजना है या ईमेल भेजना है या फिर अपना कोई मैसेज भेजना है किसी को भी, तो वो आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना पड़ता है। तो आप सोच में पड़ जाते हैं आप, क्योंकि आप बोल तो रहे हो हिंदी में और आपको वहां पर लिखना पड़ रहा है इंग्लिश में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए, इसकी वजह से आई एम गिविंग यू सम अपॉर्चुनिटीज सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है। जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके, वो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन यही है कि आपको जो बोल रही हूँ वो सभी चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। अगर आप रेगुलरली लिख नहीं रहे हैं, अगर आप रेगुलरली यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं अपने थॉट्स को प्रोसेस करने में, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन तब पता चलेगा जब आपको लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उस टाइम आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, इसीलिए ये सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ऑल राइट, सो मैम, एसे का टॉपिक क्या था? एसे का टॉपिक आपका था एडवर्टीजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई बच्चा जो पहले क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे का टॉपिक बता दे रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नाउ ये टॉपिक जो है, इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसके ऊपर पड़ रहा है ये नहीं बताया गया है। कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है या कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है या प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें नहीं बताई गई है। तो आपको, आप जो पॉइंट्स बनाएंगे, अगर आप तीनों पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल है और प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिटेबल है, तो ये तीनों पॉइंट या दोनों पॉइंट जब आप मेंशन करोगे, तो आप एक एक पैराग्राफ इनको डोनेट कर देंगे, ठीक है, कि कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट होता है और आपका कस्टमर के लिए क्या प्रॉफिट होता है। और अगर आप एक ही पॉइंट मेंशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें भी आप आराम से एक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगे तो वो गलत है, ठीक है, या फिर सिर्फ कस्टमर के प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगे तो वो गलत है, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। जब आप कोई भी टॉपिक पे लिखते हैं तो आपको किसी का साइड नहीं लेना है जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है। अग्री या ना डिसअग्री कर रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब आपको न्यूट्रल रहना है, आपको ना इस तरफ रहना है ना उस तरफ रहना है। तो आप बेटर है कि दोनों साइड से यहाँ पर लिखें, एज अ कस्टमर भी और एज एन एम्प्लॉय और एज अ कंपनी, आपके लिए क्या 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 चीजें प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू टेक